गाइस, राधे कृष्णा। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, एक नए ब्लॉग में और एक नए दिन में आप लोगों का स्वागत है। बेचारी गर्मी के साथ, धूप के साथ कैसी होगी मिर्चे मेरी। और शाम को बेचारी सर उठाएंगी थोड़ा सा, अभी थोड़ी होश गुम हो गया उनका गर्मी के साथ। तो गाइस, मैं जा रही हूँ लंच बनाने। लंच में खिचड़ी बनाने जा रही हूँ मैं। देखिए कितनी तेज़ धूप है और साथ में गरम गरम हवा भी चली हुई है। देखिए गाइस, कुल्फी वाला बेचारा कितनी धूप में खड़ा होकर कुल्फी बेच रहा है। कितनी गर्मी हो रही है, हमसे तो बाहर भी नहीं निकला जा रहा, और कैसे वो धूप में खड़ा हो रहा है। क्या कर सकते हैं भाई, पैसे कमाने आसान तो नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परिवार पालना आसान नहीं है। आ गई हमारी खिचड़ी। आज हमने डाले हैं पीले कपड़े और साथ में खाएंगे पीला पीला खाना। व्हाट अ सरप्राइज। तो गाइस, आज हमने पीले कपड़े डाले हैं और हमने खिचड़ी भी बनाई है पीली पीली। तो आज तो ये सरप्राइज हो गया है। तो लंच हमारा रेडी हो गया है, खिचड़ी। तो आप लोग भी लंच कर लीजिए, पर अपने घर पे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो? सो गाइस, मैं सो गई थी दोपहर में खाना खा के, तो अभी उठी हूँ। तो अभी उठ के मैं बना रही हूँ राजमा आज, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना किचन में, तो सोच रही हूँ कि पहले नहा लूँ, नहा के थोड़ी राहत मिलेगी, उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। शाम के 5 बज गए हैं, अगर बनाते बनाते टाइम तो लगेगा ही, 7-8 तो बज ही जाएंगे। तो पहले नहा लेती हूँ, रिलैक्स हो जाती हूँ, उसके बाद ही मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आदर्श तो बैठा हुआ है, देखा है टीवी, तो मैं नहा के फ्रेश हो के अच्छा फिर उसके बाद बनाती हूँ खाना। सब्ज़ी बनाऊँगी आज राजमा की। इतनी गर्मी हो रही है ना गाइस, बहुत बुरा हाल है। हवा भी बंद है आज बिल्कुल। हवा सुबह तो आंधी चली हुई थी तूफान वाली, लेकिन अभी तो हवा बिल्कुल बंद है और कोई पत्ता तक नहीं हिल रहा। ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो गाइस, बिल्कुल हवा बंद है, सुबह धूल भरी आंधी चली हुई थी, लेकिन अभी पेड़ों का पत्ता तक नहीं हिल रहा, इतनी गर्मी हो रही है। फिर क्या कर सकते हैं, गर्मी गर्मी चिल्लाने से गर्मी कम थोड़ी हो जाएगी। चारे पेड़ भी देखो कैसे मुरझा गए, और मेरी मिर्चों की हालत देखो। बेचारे रात में सर उठाती है और सुबह फिर बेचारी का धूप से बुरा हाल हो जाता है। चलो अब मैं नहा लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद सब्जी बनाऊँगी। थोड़ी सी हवा चली है, देखो पत्ते हिल रहे हैं अभी, लेकिन गर्म है, पर हवा चली तो है। बंद से तो अच्छा है कि गर्म ही चल पड़े। गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, प्लीज़ पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखें, जानवरों के लिए पानी ज़रूर रखें, जो आवारा जानवर हैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा भला होगा। क्योंकि ये बेचारे तो ऐसे हैं कि जो मुंह से मांग भी नहीं सकते, तो प्लीज़ इनके लिए पानी ज़रूर रखें, इतनी कृपा करें आप लोग।
मेरी रिक्वेस्ट इतनी मान ले कि जिससे जितना हो सकता है कि पक्षियों के लिए और जानवरों के लिए पानी ज़रूर रखें प्लीज़। तो मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, अभी मैं नहा लूँ, सब्जी बनाऊँगी, उसके बाद फ्री होकर लेती हूँ। सो गाइज, मेरी रिक्वेस्ट को ज़रूर सुनना प्लीज़। आप प्लीज़ जानवरों और पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखना। हमारी बालकनी में जितनी जगह है उतनी में तो मैं खूब जितना कर सकती हूँ करा हुआ है। अगर छत अपनी होती, फ्लैट है, छत अपनी होती तो मैं ज़रूर छत पे पानी और दाना उनके लिए रखती। तो प्लीज़ जितने भी आवारा जानवर और पक्षी हैं उनके लिए पानी ज़रूर रखें पेड़ों के नीचे, आप लोगों का बहुत बहुत भला होगा। ओ जी, मैं तो नहा ली, एकदम से बढ़िया लग रहा है नहा के। हाँ, नचा नारा बस थोड़ी देरी से ही, लेकिन बढ़िया लग रहा है नहा के। तो अभी बना रही हूँ सब्जी। कौन है? पूरा नाम बोल। राधे राधे बोलते, हाथ जोड़ के बोलते। देखो गाइस अन्नू क्या कर रही है, क्या हो रहा है ये बेटा? मैं तो भर रहा। क्या भर रहे हो? बंटे। हर्ष भैया के बंटे है, मारेगा वो तुझे, घूम नहीं करना, ठीक है बेटा? हाँ, अन्नू बहुत अच्छी लड़की है, ये बात मानती है। और आंगनबाड़ी भी जाती है ना अन्नू? हाँ जी, हमारा डिनर हो गया है तैयार, राजमा चावल, रोटी भी बनाई है, अभी सलाद कट रहा है। सो गाइस, आज के ब्लॉग का हम करते हैं एंड, तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपना और अपने परिवार का रखना ध्यान। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम पाए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।